मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपके कौन सी धारा क्या प्रदान करती है। कुछ खास धाराएं हैं, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ जानकारी के लिए है। और हर एक भारतीय नागरिक को कुछ धाराओं की विशेष जानकारी होनी चाहिए। इसी के तहत हम बताने जा रहे हैं कुछ जानकारी के लिए कुछ विशेष धाराएं हैं, जो साधारणतया हर किसी को, मतलब भारतीय नागरिक को ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सी धारा क्या प्रावधान करती है। तो स्टार्ट करते हैं आईपीसी सेक्शन 307। आईपीसी सेक्शन 307 हत्या की कोशिश। आईपीसी सेक्शन 307। आईपीसी सेक्शन 302 हत्या के लिए दंड। आईपीसी सेक्शन 376 बलात्कार। और आईपीसी सेक्शन 395 डकैती। आईपीसी सेक्शन 377 अप्राकृतिक कृत्य। आईपीसी सेक्शन 396 डकैती के दौरान हत्या। आईपीसी सेक्शन 120 षड्यंत्र रचना। और इसी का एक पार्ट है आईपीसी सेक्शन 120 बी, तो षड्यंत्र के लिए सजा होता है। और धारा 365 आईपीसी सेक्शन 365 की अपर हैंड। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आएंगे धारा 201 सबूत मिटाना। आईपीसी सेक्शन 34 सामान्य आशय। आईपीसी सेक्शन 412 छीना जब्ती। आईपीसी सेक्शन 378 चोरी। धारा 141 141 विधि विरुद्ध जमाव। आईपीसी सेक्शन 191 मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि झूठे साक्ष्य देना। आईपीसी सेक्शन 191 धारा 300 आईपीसी सेक्शन 300 हत्या करना। आईपीसी सेक्शन 309 आत्महत्या की कोशिश। फिर बढ़ते इसी क्रम में आगे आईपीसी सेक्शन 310 ठगी करना। आईपीसी सेक्शन 312 312 गर्भपात कराना। और आईपीसी सेक्शन 351 हमला करना। आईपीसी सेक्शन 354 स्त्री लज्जा भंग। आईपीसी सेक्शन 362 अपहरण। और धारा 415 छल करना। तो ये है कुछ विशेष धाराएं, और बहुत सारी धाराएं हैं, एक से लेकर के 511 तक। हमने अलग अलग वन बाय वन करके भी हर एक धारा का अलग अलग से वीडियो जानकारी के लिए बनाया है। ये भी सिर्फ जानकारी के लिए। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू।